वेलकम टू डिस्कवर टर्म फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट विनोद आज आपके लिए लेके आया हूँ हाउ टू सेंड ए सर्टिफिकेट्स टू इंडिविजुअल्स, राइट। मतलब मेरे पास कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, मुझे इंडिविजुअल नेम से सबको रोल आउट करने हैं एट अ वन टाइम, ठीक है, सो जिससे मेरा टाइम भी सेव हो और मुझे ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, ठीक है। ये मेरा कुछ लिस्ट है, एक्सेल में मैंने मेंटेन कर रखी है, ठीक है, नेम, स्कूल नेम एंड कुछ डेट डाल दिए मैंने, ठीक है, डेट ऑफ इशू जो सर्टिफिकेट्स का इशू होगा, ठीक है। अब मुझे सर्टिफिकेट क्रिएट करना है, सो नो नीड टू वरी, सर्टिफिकेट्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वर्ड में अपने टेम्पलेट मिल जाएंगे। सो मैं वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मुझे टेम्पलेट्स में जाना है, न्यू पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं टेम्पलेट चूज करूँगा, बहुत सारे टेम्पलेट है दोस्तों यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे चूज करूँगा मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, मैं कुछ सर्टिफिकेट्स टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स का टेम्पलेट मिल जाएगा, ठीक है। अभी मुझे कुछ स्कूल लेवल पे करना है तो मैं ये सर्टिफिकेट चूज कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, क्रिएट पे करूंगा, समटाइम्स इट टेक्स टाइम, ठीक है, लोड होने के लिए टाइम लेता है, लेकिन मैंने पहले कर रखा था तो लोड इजीली हो गया, ठीक है। स्कूल नेम दिखाएगा, ठीक है, चाइल्ड नेम एंड डिटेल्स, मुझे यहाँ पे रिप्लेसमेंट मानना है ये जो नाम दिए हुए मैंने, राइट, नेम, स्कूल नेम एंड देन डेट, जो कुछ मैंने रिस्पेक्टिव डेट मेंशन कर रखी है यहाँ पे, ठीक है। सो आप आपके हिसाब से डेटा रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोविड में मोस्टली ये यूज़ होगा, ठीक है, टू चीयर अप दी फोक्स मोस्टली, राइट। मेलिंग्स में जा रहा हूँ मैं दोस्तों, मेलिंग्स में जाने के बाद में मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं मेलिंग्स में एंड देन मैं क्लिक करूँगा स्क्रोल डाउन करके थोड़ा सा, स्कूल नेम, चाइल्ड नेम, ठीक है, मुझे यहाँ पे वो नेम रिप्लेसमेंट होना चाहिए, करेक्ट। सो मैं अभी कंटेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये कंटेंट वैसे के वैसे रहेगा, सब कुछ टेम्पलेट सेम रहेगा, खाली मेरा जो स्कूल नेम है, चाइल्ड नेम है, वो खाली रिप्लेस होते रहेगा दोस्तों, ठीक है। सो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, यहाँ पे लेटर्स पे क्लिक, सिंपल, एंड देन यहाँ पे ये आपको ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, राइट, यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं एंड देन फाइल चूज करूँगा जहाँ से मुझे फाइल वो सेव कर रखी है मैंने, ठीक है, वो मैंने एक्सेल फाइल एक लोकेशन पे सेव कर रखी थी, सो मैं वही लोकेशन का रेफरेंस वहाँ से उठा लूँगा, राइट। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा देन फाइल जो फाइल पाथ जो है मेरे पास, वो फाइल पाथ का सिलेक्ट करके, ठीक है, वो मैं ऐड कर दूँगा यहाँ पे। सो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, अब वो आपके ऊपर है आप कहाँ पे सेव कर रहे हो फाइल, राइट। मैंने यहाँ पे कर रखी है सेव, ठीक है, ये यहाँ पे कुछ पूछेगा आपके टेबल में कुछ हेडर्स है, मतलब जो टेबल था आपका, ठीक है, उसके टॉप में कुछ आपको दिखाएगा कुछ हेडर्स, राइट। हेडर्स क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड, ये टॉप वाले जो हेडर्स होते हैं, राइट, इसको हेडर्स बोलते हैं, ये कुछ है क्या, राइट। तो मैंने चेकबॉक्स ऑन कर रखा है यहाँ पे और ओके पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे जाके फील्ड्स ऐड करनी है, राइट, रिस्पेक्टिव चेंज नेम जो है वहाँ पे मुझे रिस्पेक्टिव फील्ड ऐड करनी है ताकि डिटेल्स ऐड होते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐड कर दी ये फील्ड, ठीक है, नेम्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं नेम्स ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, एंड देन डेट, तीन चीज़ें थी, ठीक है। आपके हिसाब से आप डिटेल्स कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैंने फिलहाल आपको एक जैसे फॉर्मूला के हिसाब से, यू नो, फॉर्मूला एज इन जस्ट एक ईजिएस्ट वे के हिसाब से दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये प्रीव्यू मैं देख रहा हूँ, प्रीव्यू मुझे दिखते जाएगा यहीं पे, ठीक है, आप डायरेक्टली देख सकते हो प्रीव्यू, ऑटोमेटिकली ये सब डेटा आपका पुट हो गया सर्टिफिकेट्स के अंदर, ठीक है, ये सर्टिफिकेट्स आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप दो टाइप से कर सकते हो, एक तो ईमेल पे भी भेज सकते हो, ठीक है, सॉरी तीन टाइप से बोलूँगा, ठीक है, ईमेल कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो एंड देन पीडीएफ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो मेरे पास तो प्रिंटर अटैच नहीं है तो मैं पीडीएफ ही क्रिएट करूँगा, ठीक है, आपको दिखाने के लिए, ताकि मैं शो करूँ कि आप एट अ टाइम यू नो पीडीएफ भी क्रिएट कर सकते हो विद डिफरेंट डिफरेंट नेम्स, तो आपको हर टाइम जाके नाम डाला और देन सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कर सकते हो आप। मैं अभी जस्ट चेक कर रहा हूँ एंड देन ऑल फाइल्स में बोलूँगा मैं, अगर आप चाहिए तो रेंज पूरा भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैं पूरा ऑल फाइल्स करूँगा जितना मेरा फाइल्स है, जितना सर्टिफिकेट्स है, ठीक है, एज पर द नेम लिस्टिंग इट विल गेट एडेड, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास कुछ पीडीएफ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रिंटर अभी मुझे दिखाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा सर, राइट, हार्ड कॉपी, सो दैट्स व्हाट। अब मैं यहाँ पे मेरे फाइल लोकेशन सेव कर रहा हूँ, ये कुछ नया नेम इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपके हिसाब से आप कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है इसमें। पाथ मैं कॉपी कर रख रहा हूँ ताकि मैं डायरेक्टली एक्सेस कर पाऊँ वो पाथ, ठीक है, ओपन करने के लिए। आप चाहिए तो वीडियो पॉज करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें,
ठीक है, मुझे कवर अप फटाफट करना है ताकि यू नो ताकि आगे की वीडियो भी आपके लिए अच्छे से बना सकूँ। राइट, अभी ये मैं ओपन कर रहा हूँ पीडीएफ, यहाँ पे जरा लोड में टाइम लगेगा, ये हुआ फाइल ओपन। ठीक है, परफेक्ट दोस्तों, सेम सर्टिफिकेट है, नेमिंग कन्वेंशन चेंज हुआ है, यहाँ पे स्कूल नेम चेंज हुआ है, एंड देन सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू जो कुछ है। ठीक है, आपके हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है यहाँ पे कि आप मतलब यही आपको यूज़ करना है। आप चाहिए तो ऑफिस वर्क के लिए भी सेम यूज़ कर सकते हो, किसी का बर्थडे हो, राइट, बर्थडे के टाइम पे भी आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मंथली ईमेलर जैसे आप भेजते हो दोस्तों, यहाँ पे एक और एक ऑप्शन है, मैंने जैसे आपको बताया था कि आप ईमेल भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लेकिन आपको एक्सेल में पहले जाके ईमेल का लिस्ट ऐड करके रखना पड़ेगा। ठीक है, ईमेल आईडीज जो मैंने यहाँ पे नहीं ऐड कर दिए, वो कैसे करेंगे अपन, अगर मेरा कुछ टेबल है, ठीक है, रॉ डंप है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे करूँगा ईमेल आईडी, ठीक है, जस्ट टाइप करूँगा और मेरा उलो का जो ईमेल आईडी रहेगा नेमिंग कन्वेंशन वो डाल के यहाँ पे टू में ऐड करके जो कुछ मेरा मैटर है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं दिखी रहेगी तो टॉप में आपको दिखेगी, ठीक है, और वीडियो पे जाके चेक कीजिए कैसे ऐड करते हैं, ये मैंने वहाँ पे पूरा क्लियरली बताया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी ऑल पे क्लिक करोगे तो पूरा ऑल चला जाएगा एट अ सिंगल टाइम। उम्मीद है दोस्तों आपको ये भी वीडियो अच्छी लगी होगी, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट, एंड यस यू कैन यू नो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज वेल।